हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे को न्यू वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि दोस्तों गवर्नमेंट टैब के अंदर एक न्यू अपडेट आई हुई है जो कि 1.5 GB के आसपास की है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप उस अपडेट को कैसे कर सकते हैं। अगर आपके गवर्नमेंट टैब के अंदर कोई भी साइड की वगैरह नहीं लगी हुई है तो भी दोस्तों आप उस अपडेट को कैसे कर सकते हैं, और अगर आपके टैब के अंदर साइड की लगी हुई है तो भी मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जहाँ से आप अपनी गवर्नमेंट टैब के अंदर अपडेट को कर सकते हैं। तो दो तरीके दोस्तों आपको अपडेट करने के बताने वाला हूँ। तो अगर दोस्तों आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अब देखो दोस्तों, अगर आपके गवर्नमेंट टैब के अंदर आपका साइड की वगैरह नहीं लगी हुई है और आप चाहते हैं अपने गवर्नमेंट टैब को अपडेट करना, तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, आपको आई के बटन पर जाना है और यहाँ से सेटिंग पर जाना और अपने टैब को दोस्तों किसी भी वाईफाई के साथ यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है, मतलब कि अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करके और उसके साथ दोस्तों अपने यहाँ पर टैब को कर लेना कनेक्ट। और अगर आप नहीं करना चाहते तो भी आप तो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेनिफिट रहेगा कि अगर आप अपने वाईफाई के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि अपडेट्स वगैरह ज़्यादातर वाईफाई के साथ ऑटोमेटिक ही हो जाती हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको दोस्तों आपको अपने गवर्नमेंट टैब को कर देना है रिस्टार्ट। रिस्टार्ट करने के लिए आपको वॉल्यूम डाउन वाले बटन को और पावर ऑफ वाले बटन को दोस्तों यहाँ पर प्रेस करके रखना है। 10-15 सेकंड के साथ आप प्रेस करके रख सकते हैं 10-15 सेकंड के लिए, फिर आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर टैब रिस्टार्ट हो जाएगा और आपको कुछ इस प्रकार का यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने अपने टैब को यहाँ पर रिस्टार्ट कर दिया है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जैसे ही आप अपने टैब को रिस्टार्ट कर देते हैं तो आपके गवर्नमेंट टैब के अंदर अपडेट का ऑप्शन आता है या फिर नहीं। तो अब देखते हैं दोस्तों, जब तक ये टैब ओपन हो रहा है आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब दोस्तों थोड़ी देर में हमारा टैब ओपन होने वाला है तो मैं आपको उसके बाद दिखाऊंगा कि आप कैसे यहाँ पर अपडेट को कर सकते हैं। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा टैब यहाँ पर ओपन हो रहा है और आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा टैब यहाँ पर ऑन हो गया है। तो आपको उसको बिल्कुल भी टच नहीं करना टैब को, इसको थोड़ी देर के लिए दोस्तों ऐसे रहने देना, फिर यहाँ पर आपको अपने टैब का लॉक वगैरह खोल के यहाँ पर ऐसे रहने देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको 10-15 सेकंड तक वेट कर लेना है, आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा। आप देख सकते हैं टाइम वगैरह भी आप चेक करते रहना। आप देख सकते हैं मैंने टैब को ऐसे छोड़ रखा है, आप देख सकते हैं दोस्तों एकदम से पॉपअप यहाँ पर शो हो जाता है अपडेट योर टैबलेट का। आप टाइम वगैरह बिल्कुल यहाँ पर सभी चीज़ चेक कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पर कट वगैरह नहीं लगा है, बिल्कुल सही तरीके दोस्तों ऑटोमेटिक यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन आया है। और अगर दोस्तों आप इस तरीके से नहीं चाहते अपडेट को करना और ये आपका यहाँ पर नहीं आ रहा है तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वो वाला तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। तो उस वाले तरीके के दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली से यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर उस तरीके का ही आपको जाना है एक वाले बटन पर और यहाँ से आपको चले जाना है सेटिंग पर। सेटिंग पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जाना है वाईफाई पर और वाईफाई के अंदर अगर आपने मोड्स वगैरह लगा रखे हैं तो आप वहाँ से सेटिंग को ओपन कर सकते हैं। मैंने साइड की पर कॉन्टैक्ट लगा रखा है तो मैं वहाँ से कॉन्टैक्ट को ओपन करूँगा और यहाँ पर दोस्तों मैं थ्री लाइन पर क्लिक करूँगा, यहाँ से सेटिंग पर क्लिक करूँगा, फिर मैं जाऊँगा अबाउट कॉन्टैक्ट पर। अब दोस्तों यहाँ पर मैं जैसे आई के बटन पर क्लिक करूँगा आपके सामने ऐसे इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मैं जाऊँगा परमिशन पर और यहाँ से मैं चले जाऊँगा फ़ोन वाली परमिशन पर और यहाँ से हमें क्लिक कर देना है सी ऑल विद दिस परमिशन पर और यहाँ से थ्री डॉट पर जाकर सो सिस्टम और यहाँ पर नीचे दोस्तों हमें वन यू मिल जाएगा तो हम उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। और वन यू आई होम पर क्लिक करने के बाद सी ऑल वन यू आई होम परमिशन नोटिफिकेशन पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद हम वन यू आई होम पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हमारी सेटिंग ओपन हो गई है। वन यू आई होम सेटिंग पर क्लिक करने के बाद ऊपर में सर्च वाले आइकन पर जैसे क्लिक करेंगे आपकी सेटिंग ओपन हो जाएंगी। अब यहाँ पर दोस्तों आपको सर्च कर देना है अपडेट। अब जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर अपडेट लिखकर सर्च करूँगा तो अपडेट लिखकर सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको लाइन में नीचे वाले जो सॉफ्टवेयर अपडेट वाला सेक्शन है इसमें दोस्तों आपको लास्ट अपडेट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऊपर में डाउनलोड एंड इंस्टॉल का ऑप्शन मिल जाएगा तो आप उसके ऊपर दोस्तों क्लिक कर सकते हैं और ऑटो डाउनलोड और वाईफाई को बंद कर देना ताकि आपके ऑटोमेटिक अपडेट ना हो। तो आप देख सकते हैं दोस्तों आप जैसे डाउनलोड एंड इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो आपका ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से दोस्तों आप अगर आपकी वहाँ से यहाँ पर अपडेट नहीं आ रही थी तो आप यहां से आप इसको सिंपली से डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं जैसे डाउनलोड पर क्लिक करूंगा सबसे पहले दोस्तों आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा कूल डाउन डाउनलोड अपडेट है। तो पहली बार में आपका यही ऑप्शन आएगा लेकिन अगर आप दोबारा से फिर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपकी लोडिंग लेने लग जाएगी एंड आपका जो अपडेट है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप दोबारा से आपको डाउनलोड पर क्लिक कर देना है और अब की बार दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका बिल्कुल सही तरीके से जो आपका टैब है यहाँ पर अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा टैब अपडेट होना स्टार्ट हो गया है और ये दोस्तों 1 घंटे का टाइम अभी दिखा रहा है। तो अगर मैं ये लाइव रिकॉर्डिंग आपको दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं वीडियो कितनी लंबी हो जाएगी, इसलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं जब ये अपडेट यहां पर थोड़ी बहुत ही 90 के आसपास हो जाएगी तो मैं दोस्तों आपको दिखाऊंगा। दोस्तों भी आप देख सकते हैं हमारे जो अपडेट है दोस्तों 96% यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है और दोस्तों थोड़ी देर में 100% हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इसको इंस्टॉल कैसे करना है आपको। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे अपडेट यहाँ पर हो चुकी है तो आपको इंस्टॉल नाउ वाला जो बटन दिख रहा है इसके ऊपर दोस्तों आपको सिंपली से क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपकी पहले अपडेट यहाँ पर डाउनलोड हुई थी लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अब दोस्तों ये कुछ प्रोसेसिंग होगी, मतलब कि कुछ लोडिंग लेने लग जाएगा। आप देख सकते हैं एंड्रॉइड सिस्टम अपडेट लिखाएगा और फिर दोस्तों आपका टैब है जो ऑटोमेटिक रिस्टार्ट होने लग जाएगा और बहुत सारे लोडिंग आपको आएंगे दोस्तों, बहुत सारे स्टेप्स आएंगे।
jack it up. तो दोस्तों भी हमारा टैब बिल्कुल अपडेट हो चुका है, और अपडेट होने के बाद दोस्तों हमारा टैब ऑन भी हो चुका है। अब दोस्तों अगर आपको जानना है कि इस टैब में अपडेट होने के बाद यूट्यूब वगैरह चलता है या फिर नहीं, क्योंकि दोस्तों पहले इस टैब के अंदर एसआईडी की वर्क कर रही थी, प्राइवेसी पॉलिसी भी वर्क कर रही थी, फॉरगेट पासवर्ड से भी इसके अंदर यूट्यूब चल रहा, सभी चीज़ दोस्तों इसके अंदर वर्किंग थी, मोड्स वगैरह में सभी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर चल रही थी, चैटिंग भी सही तरीके से ओपन हो जाती थी। अब दोस्तों अगर आपको जानना है कि अपडेट के बाद क्या इस टैब के अंदर यहाँ पर एसआईडी की वर्क कर रही है, प्राइवेसी पॉलिसी वर्क कर रही है, फॉरगेट पासवर्ड के अंदर यूट्यूब चल रहा है या फिर नहीं, दोस्तों कमेंट में टाइप करो, नेक्स्ट वीडियो फिर मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और दोस्तों अगर आपको ये वाली वीडियो चलेगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बेटा जय हिंद।